कनाडा सरकार के रिश्तों में खटास आने के बाद भारत सरकार ने वीजा सेवाएं निलंबित कर दी थी। अब फिर से कुछ वीजा सेवाएं शुरू करने जा रही है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि भारत सरकार 26 अक्टूबर से कनाडा में वीजा सेवाओं को आंशिक रूप से शुरू करेगी। वही आपको बता दें कि राजनयिक विवाद के बाद से पिछले महीने वीजा सेवाएं बंद कर दी गई थी, जिसके बाद अब उच्चायोग ने कहा है कि प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा और मेडिकल वीजा के साथ साथ कॉन्फ्रेंस वीजा के लिए सेवाएं फिर से शुरू होंगी। दरअसल उच्चायोग ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वीजा सेवाएं शुरू होने के बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा, स्थिति के आकलन के आधार पर ही आगे निर्णय किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स और भारत के सार्वधिक वांछित आतंकवादियों में से एक प्रमुख कैनेडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। उसके बाद वीजा सेवाओं को सितंबर के अंत में निलंबित किया गया। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कैनेडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया था। हालांकि रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अगर भारत कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा में प्रगति देखता है तो कनाडा के लिए वीजा सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके बाद इस निलंबन के लिए सुरक्षा संबंधित विचारों को विदेश मंत्री ने जिम्मेदार ठहराया। वही आपको बता दें कि राजनयिक विवाद जो उच्चायोग के अधिकारियों की जैसे को तैसा वापसी तक बढ़ गया है। दिल्ली में G20 सम्मेलन के मौके पर जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा हमेशा से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेक और शांतिपूर्ण विरोध की रक्षा करना जारी रखेगा। हरदीप सिंह निज्जर की राजनीति से प्रेरित हत्या के आरोपों का खंडन करते हुए भारत ने कहा कि कनाडा को अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत साझा करना चाहिए। ओटावा ने अब तक इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। वही बता दें कि ठीक उसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। रिश्ते खराब होने के बाद ही वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। अब फिर से भारतीय उच्चायोग ने इसे फिर से कुछ सेवाओं में शुरू करने की घोषणा की है।